हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक टूल्स। आज की वीडियो में जो प्रोडक्ट आपके सामने लेके आए हैं वो है सोनी का SAD40 मॉडल। यहाँ पर आप देख सकते हो यह है 4.1 सोनी का बूफर, सोनी का होम थिएटर। और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर सोनी SAD40 का मॉडल नंबर है। 80 वॉट के इसके स्पीकर हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, USB प्लेबैक, वायरलेस रिमोट लिखा हुआ है। वायरलेस तो होते ही है, सारे वायरलेस रिमोट होते हैं, लेकिन पता नहीं सोनी ने यहाँ पर क्या सोच के लिखा है वायरलेस रिमोट। और यहाँ पे स्टीरियो मिनी इनपुट, तो ये चीज़ है इसमें। एक इसमें आपको सबवूफर मिलेगा और चार इसके साथ स्पीकर मिलेंगे, इसको बोलते हैं हम 4.1। ये इसका बॉक्स है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी प्राइस, आप देख सकते हो यहाँ पे 8000 इसकी प्राइस है। ये प्राइस रेंज का जो है प्राइस है उसका प्रूफ है ये तो आपको प्राइस इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाते हो फ्लिपकार्ट के ऊपर या अमेजोन के ऊपर तो आपको यही 8500 रुपीज़ का मिलेगा या कहीं पे 8600 रुपीज़ का मिलेगा। और उसमें फेक आ जाए या आपका जेन्युइन आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कभी भी आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने परचेज करना है, जेन्युइन प्रोडक्ट अगर आप चाहते हो कि आप खरीदो, तो आप हमेशा मार्केट अपनी लोकल मार्केट से ही खरीदो क्योंकि वहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो जेन्युइन मिलेगा। अगर कोई फेक वगैरह कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली ओनर के पास जा सकते हो, शॉपकीपर के पास जा सकते हो, आपकी जो प्रॉब्लम होगा उसका जो सोल्यूशन है वो ऑन द स्पॉट हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से तो उसमें अगर आपको प्रॉब्लम भी आ गई, चाहे फेक आ गया प्रोडक्ट, आप उसको वापस नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिया है, हमने देखा है, वो फिर वापस होते नहीं है। आजकल करते करते बंदा थक जाता है, उसके बाद उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लोकल मार्केट से लो, आपको प्राइस भी कम पड़ेगा और आपको चीज़ भी जेन्युइन मिलेगी, फेक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों इसका करते हैं अब अनबॉक्सिंग, बॉक्स को ओपन करते हैं। ये जो इसके साथ येलो कलर का ये कार्ड सा मिला है ये होता है वारंटी कार्ड। अगर आपको बिल दे रखा है तो बिल की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक आपके पास ये वारंटी कार्ड नहीं है, इसको आपने संभाल के रखना होता है। इसलिए ये चीज़ आपने बिल्कुल संभाल के रखनी है ताकि इन फ्यूचर, वैसे तो सोनी ऐसा ब्रांड है कि इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। एक साल क्या, मेरे को लगता है लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी अगर एक साल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप अगर सर्विस सेंटर देना चाहते हो तो आपके पास या येलो कलर का प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का ये वारंटी कार्ड होना चाहिए। सो ये चीज़ आपने संभाल के रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसके साथ अडेप्टर मिलेगा और ये इसके साथ केबल मिलती है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये इसमें चार स्पीकर आपको मिलेंगे, चार स्पीकर होने की वजह से इसको हम 4.1 बोलते हैं, जिसमें दो स्पीकर होंगे उसको हम बोलते हैं 2.1, जिसमें फाइव स्पीकर होते हैं उसको हम बोलते हैं 5.1। ये जो है ये है मेन यूनिट, ये वाला जो हिस्सा है ये है इसका मेन यूनिट। इसको ओपन करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। अभी इसको जल्दी से बाहर निकाल के उसके बाद आपको इसकी साउंड टेस्ट करा के दिखाते हैं, इसका बेस चेक करा के दिखाते हैं, फिर आपने डिसाइड करना है किस तरह से इसकी बेस है। कमेंट में ज़रूर बताना किस तरह से आपको ये लगा, ये वैसे परचेज करना बेनिफिशियल है या नहीं है, इससे अगर कोई बेटर है आपकी निगाह में आपकी रेंज में तो आप बता सकते हो। तो जल्दी से इसको ओपन करते हैं और इसकी बेस टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमने सेटअप लगवा दिया इसका। ये देखिए दो स्पीकर इधर आ गए, दो स्पीकर हमने वैसे अभी सेटअप प्रॉपर नहीं किया है, सिर्फ चेक करने के लिए। और ये मेन वूफर आ गया फ्रंट में और इसके साथ आप देख सकते हो
ये देखिए छोटा सा रिमोट, लुक में काफ़ी अच्छा है, टाइनी सा रिमोट है। तो ऑन कर दिया हमने ये, अभी आपको इसका जो बेस वगैरह है वो चेक करके दिखा देते हैं। ऑन हो चुका है, लाइट इसमें आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो यूएसबी प्ले फंक्शन, टीवी का भी है, यूएसबी का भी है और ऑन ऑफ है, और यहाँ पर यूएसबी पोर्ट आप लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी बेस चेक करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह की इसकी बेस है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है वैसे अकॉर्डिंग टू मी। इतना अगर हाई लेवल पर आपने जाना है तो आप आगे और ब्रांड में जा सकते हो, बाकी इसके भी ब्रांड है, मॉडल नंबर आगे हैं इसमें। लेकिन अगर डोमेस्टिक यूज के लिए आपने लेना है तो मेरे ख्याल से एफिशिएंसी ठीक है इसकी, इनफ है ये। तो किस तरह से आपको लगा कमेंट में जरूर बताइए। हाँ, इससे अगर कोई बेस्ट ऑप्शन हो सकती थी तो जरूर बताना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।